तो अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने ये डिस्कस किया कि चार्ज के आसपास एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर दूसरा चार्ज अगर रखा जाए तो फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या टर्म इंट्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से उसको रिप्रेजेंट किया, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दूसरा टर्म। तीसरा, ई जहां पे निकालना है वहां पर चार्ज क्या एज्यूम करना है, प्लस वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पॉइंट ये था। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी वैलिड था। चौथा, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस किया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डायपोल है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो पहली बात तो Q1 Q2 चार्जेस नहीं बोला, Q-Q बोला, तो Q and -Q चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितना छोटा? जितना तो एटम के बीच में होता है इतना छोटा, छोटे की वो लिमिट होती होगी ना, 2 सेंटीमीटर भी छोटा है, किसी लिए 2 मीटर भी छोटा है, तो mm के अंदर डिस्टेंस चला गया, तो 2 शायद उससे भी छोटा चला गया, तो कहीं ना कहीं दो एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इतना छोटा। तो डायपोल कुछ नहीं है, डायपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई से कर सकते हो, आर से कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट इसको 2a से करते हैं। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो 2a इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अब ये डायपोल टर्म या इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट टर्म आपने पहली भी केमिस्ट्री में सुनी होगी। डायपोल मोमेंट तो बहुत बहुत टर्म यूज होती है जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H2O का कैसा है और बाकी एलिमेंट्स का कैसे है, मॉलिक्यूल्स का कि शेप डिस्टॉर्टेड होती है, ऐसे कई केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं फिजिक्स में, पर फिजिक्स वालों का ये काम नहीं है ये बताना कि शेप स्ट्रक्चर की डिस्टॉर्टेड हो गई या मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो गया, उसे हमें लेने देना नहीं है। हमारा मोटिव कुछ और है इसमें स्टडी करने का, वो मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड या अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप इसमें एक चीज चेक करें कि ये आपके पास सपोज ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, इनमें दूरी तो बहुत छोटी होगी, तो एक्चुअल में ये जो कॉम्बिनेशन बना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है, पर हम इतने बड़े एटम को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम एटम वोटम कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, हम प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट टर्म जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट जिसका सिंबल क्या होता है, पी वेक्टर। पी वेक्टर हालांकि मैंने डिफाइन किया डायपोल मोमेंट, पी वेक्टर मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पर ये आपको ना इस लैंग्वेज से, इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, क्योंकि आपको आदत है या तो फोर्स में कोई भी टर्म को स्टडी करने में कि में समझ में आता है कि फोर्स कितनी है या फील्ड कितना है, डायपोल स्ट्रेंथ कैसे बताता है ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि स्ट्रेंथ कैसे बताता है। आप सिर्फ ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, पी वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप दूसरा पॉइंट ये समझ लो कि पी वेक्टर या डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है। डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका है क्यू, क्योंकि दो चार्जेस होते हैं डायपोल में, क्यू एंड माइनस क्यू, आप कोई भी एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू 2a वेक्टर। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक। अब p वेक्टर क्योंकि वेक्टर है इसकी कोई डायरेक्शन भी होती होगी, इसकी डायरेक्शन याद रखना इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं कोई डायपोल ड्रॉ करूं जैसे ये -q और ये +q,
तो डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा नेगेटिव से कहाँ बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, ई वेक्टर, ई वेक्टर कहां से कहां बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है। क्लियर है यहां तक? तो पी वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी यूनिट्स, चार्ज के यूनिट क्या होंगे, कूलम, डिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे, मीटर, तो क्या बना, कूलम मीटर। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है डायपोल फील्ड क्या होता है। डायपोल तो पता लग गया क्या होता है, डायपोल फील्ड क्या होता है, डायपोल अपने आसपास क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो कोई डायपोल के अंदर चार्जेस है और वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा किसी पॉइंट पे, उसको डायपोल का फील्ड बोलते हैं, डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड कोई नई टर्म नहीं है, डायपोल के आसपास एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो फील्ड लगाएगा उसको डायपोल फील्ड बोलते हैं। और डायपोल फील्ड का मतलब ई निकालना, डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर ई निकालना, ये डायपोल फील्ड है। तो ये कुछ नहीं है, इसको इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब असली चीज है डेरिवेशन, जिसे बोलते हैं एनसीईआरटी की। क्या डेरिवेशन है? पहली डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है, ई निकालना, ई निकालना ऑन एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सिस की लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम है एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक, सेंटर है, टोटल डिस्टेंस डायपोल का 2a, तो आधा डिस्टेंस कितना, a, आधा डिस्टेंस कितना, a। ये भी क्लियर है यहां तक? a एंड a क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसे एक्सटेंड कर लूं कुछ इस तरीके से, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया, एंड इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं कितना, p, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे यहां पर e बताओ क्या होगा, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से एंड प्लस क्यू की वजह से, तो e की वैल्यू क्या होगी। तो इस लाइन को क्या नाम देते हैं, कौन सी लाइन है, एक्सिस की लाइन, एक्सिस की लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक कि एक्सियल लाइन किसे बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज अ एक्सियल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसके ऊपर आपको ई निकालना है, रूल क्या है, जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम करना है, +1, और सारे डिस्टेंसेस डायपोल के कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ये रूल है, कॉर्नर से नहीं लिए जाते, सेंटर से लिए जाते हैं। तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, आर, सेंटर से ये दूरी कितनी है, आर, तो आपको आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ई निकालना है। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो अब आपको ये बेसिक रूल तो पता ही है क्या, कि अगर ये क्यू इस +1 को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल, तो ये इसके ऊपर ई लगाएगा, और ये माइनस क्यू इस +1 को अपने से पास क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो एक ई कौन लगाएगा, प्लस क्यू, एक ई कौन लगाएगा, माइनस क्यू, ए क्या करेगा, रिपेल, ए क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगर मैं ये दोनों ई की वैल्यू बता दूं, तो एक वेक्टर राइट है एक लेफ्ट है, नेट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस, तो नेट ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली तो न्यूमेरिकली हो गया, हम रोज न्यूमेरिकल करते ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये बेसिक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा इसके अंदर क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सियल लाइन के ऊपर आपको दो चार्जेस इसमें लिए गए हैं, एक चार्ज है इसमें माइनस क्यू, एक चार्ज है इसमें प्लस क्यू, और आधा आधा डिस्टेंस कितना है, ए एंड ए। तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर आप क्या निकालना चाहते हो, नेट ई। ये भी क्लियर है यहां तक? तो जहां ई निकालना है वहां चार्ज +1 होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अब ई निकालने के लिए ये रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे, ई निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे इसमें, कि ये प्लस, ये जो प्लस है
ये प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। तो ये वेक्टर समझ में आ रहा है, ये वेक्टर है ठीक, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये वेक्टर क्लियर है सबको, रिपेल कर दिया। कितनी वैल्यू के साथ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वन अपॉन, अब क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है आर, और ये डिस्टेंस कितना है ए, तो आर में से ए गया, क्या बचा? आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ई की वैल्यू क्लियर है यहां तक, तो इस क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट ई? उसी तरीके से इस प्लस को इस माइनस क्यू ने अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो सारे वेक्टर ड्रॉ कहां करने हैं? इसके ऊपर, क्योंकि नेट ई कहां निकालना है? इसके ऊपर। तो माइनस क्यू ने प्लस वन को अट्रैक्ट किया, ई की वैल्यू क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पर माइनस साइन नहीं पुट करना, क्या पुट करना है? मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है ए, ये डिस्टेंस कितना है आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका और इसका? आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक, ओके। फिर से बोलो, अगर हम प्लस वन टू और नहीं साइड डिस्टेंस से सेंटर से लेते हैं डायपोल के, तो रूल ही बना दिया था, कॉर्नर से लेना ही नहीं है। ठीक सक्षम, आप अभी ज्वाइन किया आपने, आपने लास्ट लेक्चर सुन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का? सक्षम सक्षम, लास्ट लेक्चर सुना आपने? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सुन के आए हो ना? यस सर, यस। हाँ ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें बेसिक रूल यही है कि अगर आपके पास कोई भी डायपोल है, डायपोल का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय 2a, तो आपने सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से लेना है? फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो सेंटर ऑफ डाय, अब ऐसे तो ये डिस्टेंस 2a लेते हैं, भाई 2a क्यों लेते हैं? एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, ए बाय टू, ए बाय टू ले लो, जो मर्जी लो, पर बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है इसमें? 2a, हम भी 2a ले रहे हैं, डिस्टेंसेस सेंटर से लेने हैं। तो इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने ई निकालना है, तो चार्ज यहां पर प्लस वन एज्यूम कर लिया। तो इसमें क्या किया उसके बाद? इस प्लस क्यू ने इस प्लस वन को रिपेल कर दिया, तो बाय अब ई की वैल्यू क्या लगाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कितना है? ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर भी है, यहाँ करेक्शन है, करेक्शन तो नहीं, इसमें स्कैन करते हैं, बटा हुआ, स्क्वायर कर लेना, इसे स्क्वायर कर लेना प्लीज। उसी तरीके से इस माइनस क्यू ने इस प्लस वन को अट्रैक्ट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, कौन बड़ा? ई टू बड़ा कि ई वन बड़ा? न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा ई उसका बड़ा, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा? आर माइनस ए, क्योंकि ये आर प्लस ए में से आर माइनस ए छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा, तो ई टू की वैल्यू इसकी बड़ी, तो नेट आंसर क्या होगा? ई टू माइनस ई वन। तो यहां से ई टू माइनस ई वन करते हैं, ये देखो, तो ई टू पता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई वन भी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इन्हें माइनस कर लेते हैं, फिजिक्स थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, मैथ स्टार्ट हो जाता है, मतलब यह सोचे फिजिक्स चल रही है, मैथ्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एलसीएम लिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर चली जाएगी, ये रहा, इसे ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ओपन कर दिया, तो यहां से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऐड करके क्या आ गया हमारे पास? 4ra। ठीक है यहां तक? अब यहां से ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इस 4 को, ये जो 4 है इसको ना 2 into 2 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो उससे क्या हुआ, टू इंटू टू लिखने से एक टू मैंने आर के साथ लगा दिया, ये देखो टू आर, एक टू मैंने ए के साथ लगा दिया, देखो टू ए, मल्टीप्लाई करो सेम ही तो आएगा, टू आर इंटू टू ए इज फोर आर ए, एक ही बात है। तो ये रीअरेंजमेंट क्लियर है, फोर को टू इंटू टू कर लिया इसमें, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों किया, क्योंकि क्यू इंटू टू ए सबको पता है क्या होता है, पी होता है, ये पी होता है, क्यू इंटू टू ए इज इक्वल टू पी। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एक्सियल लाइन के ऊपर अगर आपके पास कोई पॉइंट है एक डायपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू किस टर्म में निकाली, इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, पी। पी जितना बड़ा चार्ज होगा, अब सोचो जितना बड़ा चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, चार्ज की वैल्यू अगर बड़ी होगी, तो पी क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। तो अगर चार्ज बड़ा होगा तो डायपोल मोमेंट भी बड़ा होगा, और अगर डायपोल मोमेंट बड़ा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। तो डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया था, ये स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल की, क्योंकि जितना बड़ा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही बड़ा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उतनी बड़ी उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो एक अगर डायपोल गिवन है क्यू एंड माइनस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू के कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते हैं, तो एक डायपोल गिवन है और कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बड़ा होगा, तो ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, मैं समझ जाऊंगा स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं, चार्जेस बड़े होंगे तो भी समझ जाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। आप दोनों नहीं बोलना चाहते, आप ये बोलना चाहते हो कि डायपोल मोमेंट बड़ा है, मैं तब भी समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं चार्जेस बड़े हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा है। अब फिर आप कहोगे कि इसको इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है, आप सीधे ही कैलकुलेट कर देते, पी को बीच में लाने की जरूरत ही क्या थी, हम क्यू आर ए और आर के साथ काम कर ही रहे थे। तो पी की टर्म में इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री बीच में आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर के बारे में, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर कोई चार्ज के साथ डायपोल के साथ ई ही निकालेगा, तो इंटरमीडिएट एक स्टेप बना दिया पी, तो पी के साथ भी कैलकुलेशन की जा सकती है। पर हमने, हमारी जो फिजिक्स है ना, तो वो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती है, हमारी फिजिक्स ई को ही स्टडी करती है। तो हम अपना काम ई में करेंगे, और हमने अपना जो ई का फॉर्मूला है वो पी के फॉर्म में निकाल लिया, तो इतना ही सफिशियंट है हमारे लिए, हम अपना काम ई पे रखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कैलकुलेशंस। भाई ये कैलकुलेशन तो है बड़ी, अब ए तो आर है, फिर मैं कह रहा हूँ ए इज वेरी वेरी स्मॉल, भाई अगर ए वेरी वेरी स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा, अगर ए बहुत छोटा है, ठीक, अगर ए की वैल्यू बहुत छोटी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ए मान लो 0.02 सेंटीमीटर है, अब ये अगर 0.02, उसको स्क्वायर देखो ना, 0.0004 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर से स्क्वायर, ऊपर से फिर डिवीजन भी, कौन करेगा इतनी छोटी कैलकुलेशंस। तो हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके पास कोई डायपोल है, मान लो आपके पास एक डायपोल है क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है डायपोल है क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है ए, ये तो बहुत छोटा होगा एक्चुअल में, और हमें ई निकालना होगा बहुत दूर, मान लो किसी क्वेश्चन में ई निकालना है बहुत ही ज्यादा दूर, डायपोल तो छोटा सा पर उसकी वजह से ई बहुत दूर निकालना है, यानी कि आर बहुत बड़ा है ए बहुत छोटा, ए तो यार वैसे भी सदा ही छोटा आएगा, ए तो वैसे ही छोटा है, एटम के बीच में डिस्टेंस बड़ा कब से होने लग गया, ए तो हमेशा ही छोटा आएगा, आर बड़ा आ सकता है 99% क्या 100% क्वेश्चन के अंदर ही आर हमेशा बड़ा मिलेगा, ए छोटा ही मिलेगा। आपको के कैसे पता लगेगा, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको बताएंगी आर बड़ा है और ए छोटा मिलेगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, डायपोल मोमेंट होगा किसका, दो एटम्स का ही तो होगा, तो मतलब हम एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक, चार्जेस कहाँ मिलेंगे, एटम में मिलेंगे ना। तो ऐसे केस में आर अगर बहुत बड़ा है ए से, तो ए अप्रोक्सीमेटली कैन बी निगलेक्टेड, निगलेक्ट करके आर इज टू पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा ई एक्स से। तो आपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला पक्का याद करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे, याद करो इस फॉर्मूले को। ये तो देखो याद होगा नहीं होगा कर्म, जैसे भी आपकी इच्छा है,
पर ये न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व है। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और क्यू क्या होता है, क्यू पी क्या होता है, क्यू इंटू 2 ए। ठीक हो गया यहां तक। अब इस केस में एक और इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आपने अभी ध्यान से देखा जब हम ये डेरिवेशन कर रहे थे, एक आया था ई टू एक आया था ई वन, और हमने कहा कि ई टू बड़ा है ई वन छोटा है, तो नेट वेक्टर ई टू बड़ा है तो ई टू माइनस ई वन कर दो, और जिस तरफ ई टू है नेट ई की वैल्यू भी उस तरफ होगी, ऐसे डिस्कस हुआ था। तो नेट ई भी राइट की तरफ होगा। तो यही मैंने ये यहाँ पे लिखा, देखो हमने ये सॉल्व किया, हमने ई वन निकाला पी पॉइंट पे, हमने ई टू निकाला, ई टू हमारा बड़ा था ई वन से, तो हमने कहा नेट ई की वैल्यू राइट होगी, ऐसी था। तो नेट ई कहाँ आया, राइट आया। पी वेक्टर कहाँ पर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेट ई राइट आया, दोनों आर ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर जब ई निकलेगा तो उसकी ई की डायरेक्शन एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बताओ एक्सियल लाइन पे नेट ई एंड पी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल क्या लिखेंगे इसमें, जीरो, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है और ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर ये वाला पॉइंट बता दो, डायरेक्शन वाला, फिर से बोलो सही, डायरेक्शन वाला पॉइंट एक बार देखो, बता दो। देखो इसके अंदर नेट ई कहां आया, राइट आया था ना, यस सर, और पी वेक्टर कहां होता है, माइनस से प्लस, यस सर। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो पी वेक्टर है क्योंकि वो माइनस से क्या है, प्लस है, राइट तरफ, नेट ई भी राइट की तरफ, तो दोनों आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में अगर एंगल पूछा जाएगा तो एंगल क्या आएगा, जीरो। क्लियर okay, है सर, यस सर। सर हमारे यहाँ फ्रिक्शन स्ट्रेंथ बताने का ही है। हाँ जी बोलो सर, ये डायरेक्शन वाला तो तब तक चलेगा ना जब तक हमें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव गिवन हो, अगर नेगेटिव दे दिया। हाँ, हम नहीं हम यूनिट जो टेस्ट चार्ज लेते हैं नेगेटिव लेते ही, तो बाय डिफॉल्ट है लेते ही पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन पूरे अगर क्वेश्चन में में टेस्ट गिवन चार्ज हो लेते तो ही पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन हो नहीं, तो हो, नहीं नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड रूल है, जहां पर आपको ई निकालना है वहां पर लेते ही पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव। चलो अगर आपने नेगेटिव ले भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है, फोर्स की वैल्यू देखो, जहां आपने ई निकालना है वहां माइनस क्यू नॉट ले लो, तो फोर्स का फॉर्मूला था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू माइनस क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, को माइनस क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ई तो फिर हालात फिर से पॉजिटिव ही आएगा, हम लेते नहीं। वैसे ये रूल सही नहीं है, आप जब भी ई को डिफाइन करते हैं तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, बाय डेफिनेशन बोला ही गया है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई किताब लिखती नहीं है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, कभी नहीं लिखेगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेगी। क्लियर है, आएगा ही नहीं इसमें नेगेटिव का चक्कर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर इनके बीच का एंगल जीरो के अलावा 90 डिग्री और 180 डिग्री हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? ऐसा हो कैसे जाएगा, इसमें क्या हुआ, इसमें समझ में आ गया जीरो हुआ? यस। तो ये केस तो एक स्टैंडर्ड केस है ना, इसमें अगर ई एक्सियल का केस आता है तो मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो प्रूफ दिया है कि ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, तो आज अगर जीरो है तो कल 90 कैसे आएगा, तो आज जीरो है तो हमेशा सारी जिंदगी जीरो ही रहने वाला है ये ई और इसके बीच में, एंगल 90 कोई नहीं आएगा इसमें, स्टैंडर्ड है ये, तो याद रखना है कि ई एक्सियल में और पी वेक्टर में होता ही एंगल जीरो है, और मैंने तो ये प्रूफ के साथ बताया आपको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अलग 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 केस में अलग अलग, एक्सियल लाइन तो एक ही होती है, डायपोल भी एक ही होता है, तो कोई केस चेंज होने वाला है नहीं आपका इसमें, नहीं विस्तृत भी हो सकता, वैसे इधर करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो जब अगर इधर पॉइंट लोगे तो नेट ई फिर वो भी राइट आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आता है फिर वो, जब करोगे ना तो नेट ई इधर आएगा, पी के साथ ही आएगा। आपको अगर यहां पॉइंट लेना है, प्लस वन यहां ले लो, माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा,
प्लस क्यू रिपेल करेगा, माइनस क्यू के पास है वो पॉइंट ऑफ इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ई वेक्टर फिर इधर ही आएगा। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल हमेशा जीरो ही बनेगा, ठीक। तो अगर आप बहुत सारे केसेस माइंड में आ रहे हैं तो एक होमवर्क ले लो, आप किसी भी तरीके से एक्सियल लाइन में एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर नॉन जीरो प्रूव कर दो, नेक्स्ट टाइम क्लास में करके लाना, केस ले आना, एक्सियल लाइन है, लाइन मत चेंज करना, इधर पॉइंट मत लेना, एक्सियल का एक्सिस के ऊपर ही लाइन लेनी है, पॉइंट लेना है, करके देख लेना, जो केस में प्लस वन रख के डायरेक्शन चेक करते रहना, रिजल्ट स्टैंडर्ड ही आएगा, एंगल बिटवीन एम इज जीरो, ठीक। फिर भी किसी को शौक है वो जरूर प्रूव करे, अपना टाइम जरूर खराब कर सकता है वो, इसमें नहीं आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है। और कुछ पी पी फिजिक्स वालों का बताना बनता है, पी का रोल हमारे यहाँ ज्यादा है नहीं, फिजिक्स में ज्यादा है नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल्स का, डायपोल बस कॉम्बिनेशन है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कोई एटम पड़ा हुआ है, कोई एटम या मॉलिक्यूल लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्सेस लगी, अभी कुछ टाइम के बाद आएगा, फोर्सेस लगी, उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, अब टॉर्क निकाल लो किससे वो रोटेट करेगा, अब इसमें ई क्या करेगा, सारा काम पी कर देगा, तो इसलिए पी चाहिए। हम कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जिसमें ई एक लंबा प्रोसेस है, पी एक छोटा प्रोसेस है, पी निकालना आसान है क्यू इंटू टू ए, ई निकालना मुश्किल है, प्लस वन लो इधर वेक्टर उधर वेक्टर निकालना, टॉर्क है उसमें ई चाहिए ही नहीं, उसमें पी चाहिए, काम खत्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी एप्लीकेशन जो आपको कुछ टाइम के बाद पता लगेगी हमने पी निकाला क्यों, अभी सिर्फ आज के लेक्चर में ये देखेंगे पी निकलता कैसे है, क्यों निकाला, इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो याद है, क्लियर है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ई, फिर से ई निकालना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन का दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड पोजिशन। इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, जैसे ये डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इस क्योंकि डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, डायपोल के सेंटर से, तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऊपर, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आर डिस्टेंस के ऊपर यहां पर मुझे ई निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, करने क्या वाले हैं? ऐसा न्यूमेरिकल पिछले कई एक दो क्लासेस में हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, जिसमें एक डायपोल लेते हैं, डायपोल क्या प्लस क्यू वन क्यू टू की हेल्प से हमने निकाला, वैसे तो याद आ ही जाएगा आपको, तो जिसमें हमने ये निकाला कि सपोज आपके पास एक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय टू ए, ये रहा, एंड आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे कोई पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर आपको ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां क्या लेंगे चार्ज, प्लस वन, राइट, और ये डिस्टेंस कितना है आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, और ये जो डिस्टेंस है आर और ए, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और वैल्यू क्या होगी इसकी भी, एग्जैक्टली ई ही होगी। अगर क्यू ने प्लस वन को ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो माइनस क्यू ने भी सेम वैल्यू लगाई बाय सिमेट्री, जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जैसे मैं बोलूंगा कि क्यू ने यहां पर ई क्या लगाया, तो आंसर होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? और ऐसे ही माइनस क्यू ने इसे अट्रैक्ट किया, वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। तो क्या ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि यहां पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो इसके साथ,
और फिर मैंने क्या सिखाया, फिर मैंने ये सिखाया कि इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, इस एंगल को थीटा इमेजिन कर लो, तो बाई सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्लियर है? फिर ई के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, पहला कॉम्पोनेंट होगा ई कॉस थीटा, दूसरा कॉम्पोनेंट होगा ई साइन थीटा। इस ई के भी दो कॉम्पोनेंट होंगे, थीटा के साथ ई कॉस थीटा और इस तरफ ई साइन थीटा, और ये दो कॉम्पोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो नेट ई की वैल्यू क्या आएगी, 2e cos थीटा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी लास्ट टाइम शायद किया था। तो डेरिवेशन है कहां, प्लस टू में डेरिवेशन बड़ी कम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वैसे भी डेरिवेशन कुछ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट ही होता है, उसको मैथमेटिकल तरीके से रिजल्ट निकालने को डेरिवेशन बोलते हैं। आप जितना मर्जी रट्टे मारे जाओ लेकिन समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखो, यही एग्जैक्टली इसमें किया हुआ है। ये देखो आपकी असाइनमेंट में माइनस क्यू प्लस क्यू आर, प्लस ने प्लस को रिपेल किया, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, थीटा 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 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ई का एक कॉम्पोनेंट थीटा के साथ ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। इसका कॉम्पोनेंट ई का यहां पर ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। ई साइन थीटा विल कैंसल ई साइन थीटा, नेट ई की वैल्यू क्या होगी, 2e cos थीटा। तो नेट वैल्यू 2e cos थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ई की वैल्यू मैंने आपको क्या सिखाई, 1/4πε0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे पता है इसमें क्या कि ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो सकता है। इसकी पावर कितनी है, हाफ, इसकी पावर कितनी है, वन। वन प्लस हाफ क्या होता है, 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। न्यूमिनेटर में क्या आ गया, क्यू इंटू टू ए, और क्यू इंटू टू ए क्या होता है, पी। तो ई का फॉर्मूला बन गया इक्वेटोरियल में, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। बट ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये तो कैलकुलेशन करना ही बड़ा मुश्किल है, ए बहुत छोटा, ऊपर से रेज टू पावर 3/2, कौन ही करेगा। तो शॉर्ट डायपोल बोलते हैं इसे, शॉर्ट डायपोल जैसे एक्सियल लाइन में किया था। शॉर्ट डायपोल वो डायपोल है जिसमें आर बहुत बड़ा होता है और ए बहुत छोटा होता है। और मैंने आपको बताया कि शॉर्ट डायपोल के केस में हम क्या करते हैं, अगर आर बड़ा है और ए छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली ए को 0, तो ये कट जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आर का क्यूब। ये देखो तो आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2, तो ये कट गया, आर का क्यूब आंसर। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सियल में फॉर्मूला क्या आया था, शॉर्ट डायपोल में 1/4πε0 2π/r³। इक्वेटोरियल में क्या आया, p/r³। तो यानी कि इक्वेटोरियल वाले रिजल्ट में एक्सियल के रिजल्ट से वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ। तो न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, जब दो न्यूमेरिकल आएंगे एक्सियल निकाल लो, इक्वेटोरियल में हाफ कर दो आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। और उससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट किया था हमने उसमें नेट ई क्या निकाला था, 2e cos थीटा। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पर नेट ई कहां आया, ये रहा। तो डायपोल मोमेंट एंड नेट ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सियल में नेट ई एंड डायपोल वर इन सेम डायरेक्शन, इक्वेटोरियल में दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई ये पूछे इस टॉपिक में कि बताओ एंगल बिटवीन ई इक्वेटोरियल नेट ई एंड डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 180। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इक्वेटोरियल में पी वेक्टर और नेट ई में एंगल क्या होगा, 0। इक्वेटोरियल में नेट ई में और डायपोल मोमेंट में एंगल क्या होगा, 180। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमने याद कर लिया, जब न्यूमेरिकल आएगा
तो एक्सीएल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दो रिजल्ट्स क्लियर हैं। तीसरा रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल से खुद ही बोल दिया, शॉर्ट डायपोल क्या होता है, आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है। अब किसी भी पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट से ये मतलब है कि जैसे मान लो एक मिनट के लिए, ठीक, सपोज आपके पास ये एक डायपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करवाए और रिजल्ट्स में ये करवाया कि अगर आपके पास कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ई एक्सियल, एक्सियल, तो आपको रिजल्ट याद है। अगर मैं कहूं कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ई निकालो, आप निकाल सकते हो, ई इक्वेटोरियल याद है आपको। पर कोई कहता है यार मैं ऐसे क्यों निकालूं, कि एक्सिस पे क्यों निकालूं, एक्स एक्सिस पे क्यों निकालूं, वाई एक्सिस पे क्यों निकालूं, मैं अपनी वैल्यू ई की यहां निकालना चाहता हूं, ये लो एनी पॉइंट नॉट ऑन एक्स एक्सिस नॉट ऑन वाई एक्सिस, सच दैट ये जो पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर और एंगल कितना है यहां से थीटा। तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एट एनी पॉइंट ई की वैल्यू निकालो। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सियल हमने कर लिया, इक्वेटोरियल हमने कर लिया, अब डायपोल के आसपास कोई भी पॉइंट होगा जहां पर हम ई की वैल्यू को निकालेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब कैसे करना है इसको एक बार चेक करते हैं। देखो इसको करने के लिए कुछ रूल है, पहले फर्स्ट रूल को एक बार देख लो। रूल ये है कि ये आपके पास मान लो एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, एक डायपोल है, राइट, ए एंड ए। अब इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कहां पर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, मानते हो, डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जो वैल्यू निकालनी है ई की वो कहां निकालनी है, यहां निकालनी है, यहां पे निकालनी है, ये भी क्लियर है। मेरा डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, मेरे को अपना क्वेश्चन उधर करना है, तो मैं एक काम करूंगा इसमें, मैं इस डायपोल मोमेंट पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लूंगा, पहला कंपोनेंट ये लूंगा और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर लूंगा। कैसे, ये पी वेक्टर है, इसका पहला कंपोनेंट है पी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या है, पी साइन थीटा। क्यों करूंगा अभी बताऊंगा मैं, ऐसा मैंने क्यों किया, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी है, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, मेरे को आर डिस्टेंस पे यहां पर ई निकालना है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो मैंने क्या बताया, यहां पर मैं पी वेक्टर ड्रॉ करूंगा थीटा, पी के दो कंपोनेंट्स लूंगा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर मैं करूंगा क्या आगे, मतलब ठीक है ये ले लिया मैंने पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो मैं अपने कैलकुलेशन अब पी के साथ नहीं करूंगा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा के साथ करूंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं कर चुका हूं। अब आगे चलने से पहले एक रिजल्ट मुझे बताओ, एक रिजल्ट, इसका लेना देना नहीं है इस टॉपिक से, जस्ट वैसे पूछ रहा हूं। अभी अभी हमने क्या सीखा कि आपके पास अगर कोई डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, और ये मान लो पी वेक्टर है, और अगर कोई पॉइंट इस डायपोल के एक्सिस पे लाई करता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं कि एक्सियल लाइन। तो डायपोल की कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है, क्लियर है यहां तक, तो ये इसकी एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर ई की वैल्यू निकालो शॉर्ट डायपोल के लिए, आपको रिजल्ट तो याद ही है, क्या रिजल्ट है, ई एक्सियल की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, पी वेक्टर के अलोंग होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन पे ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, ये तो पता है सबको। और वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो फॉर्मूला भी पता है शॉर्ट डायपोल का, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, कोई डाउट इसमें,
ऑनलाइन वालों को क्लियर है रिजल्ट? अभी किया हमने, ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं रिजल्ट, ठीक? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं अपना क्वेश्चन और ये बोलूं कि क्वेश्चन सेम है बट डायपोल मोमेंट की वैल्यू पी नहीं है, पी की जगह पी कॉस थीटा है, तो बताओ अब इस पॉइंट जो कि इसका एक्सियल लाइन है, यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जहां पर 2p बाय आर क्यूब था वहां पर पी, पी की जगह पी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है? कुछ भी नहीं है, अगर पी है तो फॉर्मूला 1/4π ε₀ 2p/r³, और अगर पी की जगह पी कॉस थीटा है तो यहां पर 2p cos θ/r³। क्या रिजल्ट क्लियर है? तो मैंने कोई नया रिजल्ट तो लगाया नहीं, मैंने आपको सिंपल एक चीज कही कि हमने पिछले टॉपिक में ये किया कि अगर कोई डायपोल मोमेंट है और उसके एक्सिस पे ही ई निकाला जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर ई के लिए पी और ई इन सेम डायरेक्शन, और ई एक्सियल का फॉर्मूला लगा दो। फिर मैंने कहा रिजल्ट मॉडिफाई करते हैं, यहां पर पी की जगह अगर पी कॉस थीटा हो तो ई एक्सियल एंड पी कॉस थीटा इन सेम लाइन, एंगल बिटवीन देम इज 0, और वैल्यू में पी की जगह पी कॉस थीटा। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? ये बनाना नहीं है सर आपको रिवाइज करवाने के लिए, तो ऑनलाइन वालों को ये चीज क्लियर है? यस यस। ठीक है, एक और रिजल्ट हमने किया, हमने क्या रिजल्ट किया? हमने कहा कि अगर ये कोई डायपोल है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है? पी है, और ये कौन सी लाइन है इसकी? इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल लाइन पे नेट ई और पी में एंगल क्या होता है? 180, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर वैल्यू क्या होती है? 1/4π ε₀ p/r³, इक्वेटोरियल लाइन में p/r³, तो ये वैल्यू होती है, राइट? मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस रिजल्ट को मॉडिफाई करूं, इस डायपोल मोमेंट को p की जगह क्या हो? p cos θ लूं, और मैं कहूं कि इक्वेटोरियल लाइन पे e निकालो, तो रूल नंबर 1, इक्वेटोरियल लाइन पे जो e आएगा वो इसके क्या आएगा? ऑपोजिट आएगा। मानते हो ये चीज? एंगल तो 180 रहेगा, और क्योंकि मैंने p को p cos θ किया तो रिजल्ट में भी p की जगह p cos θ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो दो रिजल्ट्स क्लियर है, कोई डाउट इसमें तो लगाना आ रहा है। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा तो ये क्वेश्चन था, बीच में तो जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा था कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं इस रिजल्ट को कैसे लगाऊंगा, इसको एक बार प्लीज जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, कैसे लगाऊंगा इसको देखना। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मैंने दो चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं यहां पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पी निकालना चाहता हूं, ई निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट आ गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे मैंने पी वेक्टर ड्रॉ किया था, ये रहा मेरा पी वेक्टर, और मैंने पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लिए थे। पहला कंपोनेंट क्या था यहां पर? पी कॉस थीटा, राइट, पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहां पर क्या था? पी साइन थीटा, राइट। ऐसा किया मैंने, जब मैंने पी के कंपोनेंट्स ले लिए ना, तो फिर मेरे को पी लेने की कोई जरूरत नहीं है, कंपोनेंट ले लिए, क्या करोगे इसको लेके, लो मैंने हटा दिया, ठीक है, दो वेक्टर ले तो लिए। दो मिनट के लिए मैं इसको भी हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं मैं, ये लो, और मैं इसको भी हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, ये भी मैंने हटा दिया, और फाइनली ये भी गया। आपके सामने क्या बच गया? पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा पे आपको यहां पर ई निकालना है, तो सबको पता है कि पी कॉस थीटा के ऊपर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है। तो डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन ये बनेगी ई एक्सियल की, क्योंकि ई एक्सियल एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, और वैल्यू क्या बनेगी? 1/4π ε₀ 2p cos θ / r³। क्या स्टेप क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? सेम रिजल्ट लगाया ना मैंने, कुछ भी नहीं है, अपने उसी रिजल्ट में सब कुछ हटा दिया, हटा के बस ये चीज रख ली, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? अच्छा यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? समझ में आया रिजल्ट कैसे आया? डाउट है शायद? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर अब वैल्यू क्या कंसीडर करूं, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा लेने पे मेरे को अब 2 मिनट के लिए इसको हटाना है, कुछ नहीं दिखाना मुझे, बस पी साइन थीटा। पी साइन थीटा इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इसकी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे पी साइन थीटा अगर इस तरफ है तो नेट ई इसके क्या आएगा? ऑपोजिट आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में पी और ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? ई इक्वेटोरियल, और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, पी नहीं, पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। क्या स्टेप क्लियर है? तो ए क्या आ गया? ई एक्सियल, ए क्या आ गया? ई इक्वेटोरियल। कोई डाउट इसमें बोलो? इक्वेटोरियल में ये पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो ये वही क्वेश्चन ही हुआ अभी जो ड्रॉ किया था। अगर ये पी साइन थीटा है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल पे पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल की वजह से जो नेट ई आएगा वो इसके क्या आएगा? ऑपोजिट में आएगा। हाँ, पहले पी कॉस थीटा का रिजल्ट लगा दिया, अब पी साइन थीटा का रिजल्ट लगाएंगे। पॉइंट तो वही है, पहले पी कॉस थीटा के लिए वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, पी साइन थीटा के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो गया उस लाइन के साथ। तो ये दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो नेट ई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, मतलब आपने पहले पी वेक्टर लेना है। वापस चलते हैं एक मिनट, ये देखो यहां समझ में आएगा। ये देखो आपने पहले पी वेक्टर लेना है, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ले लेने हैं, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। एक बार कंट्रीब्यूशन यहां पर पी कॉस थीटा का लगाना है, एक बार कंट्रीब्यूशन यहां पर पी साइन थीटा का लगाना है, दो ई आ जाएंगे, दोनों का वेक्टर सम लेना है। तो जब पेपर में आएगा तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये नहीं करना, लिख लेना इस पे, नोट एग्जाम में नहीं लिखना, आपने नोट लिखना, पता नहीं ये भी ड्रॉ करने बैठ गए, किसी काम के नहीं है, ठीक है, लिख लेना नॉट फॉर एग्जाम ये वाले डायग्राम्स। अब ये करना है ड्रॉ, या अकेला ये ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा, अकेला ये ड्रॉ कर दो बस सफिशियंट है, एक एक डायग्राम बुक्स में ये बना एनसीईआरटी में, क्या माइनस क्यू प्लस क्यू क्लियर, डायपोल मोमेंट पी क्लियर, पी के दो कंपोनेंट्स क्लियर, पी कॉस थीटा के लिए ई एक्सियल क्लियर, क्योंकि पी कॉस थीटा के लिए ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ई एक्सियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब। फिर p sin थीटा के लिए यही पॉइंट e इक्वेटोरियल, e इक्वेटोरियल में ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय r क्यूब। क्लियर है यहां तक? नेट e निकालने के लिए पैरेललोग्राम और दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e इक्वेटोरियल का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ई एक्सीएल का फॉर्मूला हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब, ई इक्वेटोरियल का निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय r क्यूब। यहां से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r क्यूब, ये सब कॉमन आ गया इसमें, तो ये आ गया, और ये ना पी गलती से हटा दो, इसे पी बाहर आ चुका कॉमन, ये पी नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, करेक्शन है यहाँ, ये पी हटा दो, हाँ जी ठीक है यहां तक। तो ये टर्म आ गई, अब इसमें ये सब बाहर आ गया अंडर रूट के, तो क्या बना? 4 cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो इसमें 4 cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos² थीटा को लिखा जा सकता है 3 cos² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आपके पास ये नेट ई की वैल्यू आ जाएगी।
पॉइंट क्लियर आया था, तो नेट ई की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये यहाँ तक रिजल्ट क्लियर है, क्योंकि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो आपको क्या बतानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ये आपका नेट ई आया, नेट ई आया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, ये ई एक्सियल है और ये ई इक्वेटोरियल है, तो इसीलिए टेन अल्फा क्या होगा, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल, टेन अल्फा इज ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। क्लियर है यहाँ तक? तो पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से टेन ऑफ अल्फा क्या आएगा, ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला पता है, एक्सियल का फॉर्मूला पता है, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें ये डायरेक्शन की वैल्यू आ गई, साइन और कॉस। जब हमने कंपोनेंट्स लिए थे तो हमने कंपोनेंट्स का काम किया है, इसके साथ काम नहीं किया ना, तो इसलिए एक्सियल में पी कॉस थीटा, इक्वेटोरियल में पी साइन थीटा। ठीक है यहां तक? अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही, इसको देख लें। आप इमेजिन करें कि अगर मैं इसमें एंगल थीटा जीरो ले लूं, देखो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पॉइंट पी कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। और उसी तरीके से अगर यहां पे लाई करेगा तो थीटा क्या होगा, 90, कौन सी लाइन हो जाएगी, इक्वेटोरियल हो जाएगी। तो आप एक काम करें, वेरिफिकेशन कर लें, अगर थीटा जीरो है तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे जब थीटा को जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो क्या होता है, वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर का अंडर रूट टू, तो ये आ गया, तो बिल्कुल सही है, एक्सियल का फॉर्मूला पार आ गया। और उसी तरीके से अगर इक्वेटोरियल का चेक करना है तो थीटा को पुट करें 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, इक्वेटोरियल का। तो इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उस फॉर्मूले से हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल भी वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, एक्सियल इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट, समझ में आ रहा है कि ड्राइव कैसे करना है इसमें। क्लियर? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर बोलो। सर वो जो हम लोग वो cos square theta को कैसे chi square theta लिखा वो बता दो, ये क्लियर था? यस सर। इसके बाद वो जो chi 4 cos square को लिखा 3 cos square plus cos square, ओके सर, और cos square plus sin square 1, ठीक है? यस सर, यस, ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक बोलो। अगर डेरिवेशन आएगी तो ये सारी करनी है, ये यहां तक तो करनी करनी है, ये करनी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक क्या करना है, बस ये कर दो और ये डायग्राम बना दो, सफिशिएंट है बस। देखो इसके अंदर शीट नंबर 7 हैंड रिटन आपकी, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल का फॉर्मूला हमने क्या किया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल का क्या किया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन को करें, टू चार्जेस 20 एंड माइनस 20 आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 20 एंड माइनस 20 देखते ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, एंड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर का मतलब ये डिस्टेंस क्या है, 2a, 2a। तो a क्या हुआ, 0.5 और 0.5। आपको इक्वेटोरियल लाइन 50 सेंटीमीटर ऊपर e निकालना है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, e इक्वेटोरियल का। तो e इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लेना, 1/4πε0 पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और पी क्या होता है, क्यू इंटू 2a। तो यानी कि 9×10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है, 20 माइक्रोकूलम इंटू 2a, 2a कितना है, 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। आर कितना है, 50 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²⁻ का होल क्यूब। आंसर क्लियर है, आता कि कैसे फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो डायग्राम में 0.05 है इतना, 0.05 आएगा मीटर में। मैं समझा नहीं, कहां पर, यहां पे ये कह रहे हो, ए नहीं मीटर में, मीटर में 0.5×10⁻²। मैंने कर लिया ना, जो आर है 50 सेंटीमीटर है ना, तो जैसे 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 50×10⁻²। हम आप डेसिमल लगा लो जो लगाने हैं, ठीक है ना, क्या है पॉइंट, क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट डायपोल का गिवन है, क्वेश्चन लॉन्ग डायपोल का एक्चुअल डायपोल का होने नहीं आपसे सॉल्व, वो कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आर कितने है, 50 सेंटीमीटर, ए कितने है, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर। आपको वैसे ही नजर आ रहा है कि आर बहुत बड़ा है ए से। अच्छा चलो, आप डायपोल नहीं समझ पाए, शॉर्ट है, आपने लॉन्ग से कर दिया पूरा सही तरीका, तब भी आपके आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, मुश्किल से 0.3 की जगह 0.2, वो भी शायद बहुत फर्क नहीं आएगा, बहुत छोटी कैलकुलेशंस हैं। तो आप शॉर्ट डायपोल के लिए ही न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बड़े उसके लिए नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ए तो सदा ही छोटा रहेगा, बोल तो रहा हूँ सारे डायपोल के क्वेश्चन शॉर्ट डायपोल से हो जाने हैं, ठीक। इसको करो, तो टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम बट ऑपोजिट इन साइन,
और 1 सेंटीमीटर पार्ट, तो यहाँ पर ना पहली बात तो यहाँ माइनस आएगा, 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, करेक्शन कर लेना। 1 सेंटीमीटर पार्ट का मतलब 2a कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो a कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो ये r की वैल्यू इसका मतलब कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻²⁪ मीटर। तो आपको e ऑफ एक्सियल का फॉर्मूला लगाना है, e एक्सियल विल बी इक्वल टू 1/4πε₀P2P/r³, और p क्या होता है, q × 2a, यानी कि 9 × 10⁻²⁹ × 2 × चार्ज की जगह 10⁻⁶ और 2a की जगह 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय r की जगह 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो, का होल क्यू आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है। आंसर सब कुछ मीटर और एसआई में रखना है, क्योंकि 1/4πε₀ एसआई में किया हुआ है ना, 9 × 10⁹, तो एसआई में रखना है सब कुछ। वैसे ई के यूनिट्स होते क्या हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम आता है इसका आंसर। जहां पर जी लगा लो प्लस क्यू में, तुमने वहां का डायग्राम ड्रॉ करना है वैल्यू, वो तो वैसे शो करने के लिए है, वैसे तो आपको न्यूमेरिकली करना है, इसमें तो नहीं भी ड्रॉ करोगे इसमें डायग्राम तो कोई फर्क नहीं है इसमें। पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, प्लस एंड माइनस, ठीक। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ई की वैल्यू पूरे जगह पर कांस्टेंट है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहां जाएगा, लेफ्ट की राइट, राइट जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ई क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ क्या होता है, क्यू इन टू ई, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, कहां, टुवर्ड्स राइट। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रखूं तो कहां अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम क्यू ई, मैग्नीट्यूड तो इसकी भी क्यू ई होगी, वो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नीट्यूड दोनों में एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्लियर है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई वेक्टर, वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या मैं एक रिजल्ट लगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना दूं, क्या कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाएगा वो फोर्स इधर ही एक्सपीरियंस करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज को आपने रखा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज को रखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लियर है? तो आपको ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ प्रेजेंट था,
जैसे इसमें प्रेजेंट है। हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन बोलो कहां मूव करेगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है राइट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा लेफ्ट, कितनी करेगा F is equal to QE, और Q की जगह मैग्नीट्यूड 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। और ऐसी क्वेश्चन आएगा अगर मैंने प्रोटॉन रख दिया तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी करेगा ये भी सेम करेगा, फोर्स दोनों सेम करेंगे क्योंकि चार्ज दोनों पे एग्जैक्टली सेम होता है, बट एक पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव करेगा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है रिजल्ट? यस सर। प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे वहां, आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहां ये पॉजिटिव है क्या क्या लगता है नेगेटिव प्लेट खींचेगी कि पॉजिटिव खींचेगी? बिल्कुल, ये तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव मूव करेगा। हाँ वो एक, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये तो आपको मैं दिखा रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैं दिखा रहा हूँ, वो दिखाएगा थोड़ी ना पेपर वाला, पेपर में ये कहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बोलो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ मूव करेगा राइट की लेफ्ट, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट मूव करेगा, प्रोटोन कहाँ मूव करेगा राइट, ऐसे चेक करना होता है, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स बनी नहीं होती, इसलिए आप उसमें देख नहीं पाओगे अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ होगा या ऑपोजिट होगा, यही आपको याद रखना है। हाँ बोलो ऑनलाइन, क्या पूछ रहे थे ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं सर, वो प्रोटॉन का ही चार्ज रखेंगे ना फिर, अगर प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैसे चार्ज दोनों पे बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ फोर्स दोनों में सेम रहेगी पर मूवमेंट दोनों की ऑपोजिट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। क्लियर है यहां तक केशव? ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलिकन, बहुत साल पहले पिछली सदी में उसने क्या किया, एक जादू करके दिखाया, क्या जादू, उसने ना एक लैब के अंदर एक ऑयल का ड्रॉप लिया और हवा में उसको स्टेशनरी वहीं पे उड़ रहा है हवा में, नीचे नहीं गिरा, तेल का ड्रॉप हवा में उड़ा के दिखा दिया उसने, उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, इसे पहली बार ये जादू करके दिखाया, कैसे करके दिखाया, उसने क्या किया, ये आपके सामने प्लेट्स ले ली दो जिसके ऊपर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जैसे ये ऑयल के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज बना के रखा, ऑयल का ड्रॉप क्यों गिरेगा नीचे, क्योंकि इसका वेट इसे नीचे गिर देगा, तो उसने क्या किया, नीचे की प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ऊपर की प्लेट्स को नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है क्यू, तो ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी क्यू ई, कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है ऊपर, तो ये पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने mg एंड जितना इसका वेट है उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर दी, ड्रॉप नीचे गिरा ही नहीं, और लोगों चार्ज तो दिखता नहीं है, प्लेट्स, लोगों को क्या पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस लोगों को लगा कि हवा में कैसे रुक गया, तो वेट जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑयल रेस्ट पे कैसे आ गया, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो अब मेरी शीट के अंदर पहला पॉइंट ये गिवन है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये रेस्ट पे रखना चाहते हो चार्ज को तो mg किसको बैलेंस करेगा, क्यू ई, राइट, क्लियर है ये स्टेप। अब ये एक क्वेश्चन बनाया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, मैंने भी बनाया, क्वेश्चन पढ़ा, मेरे से डायग्राम में कुछ गलती हो गई, आप क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएं मेरे से क्या गलती हुई, फोर्स की डायरेक्शन, ओके, क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज है, ओके, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अब अगर आप मिलिकन होते और उसको उड़ाना है आपको हवा में, प्लेट्स को उल्टा कर देते, बिल्कुल सही है, देखो
अच्छा प्लीज बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ लें अभी, एक मिनट, एक मिनट, पहले एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते लोगों को यार। मुझे पता नहीं तुमने पहले पढ़ रखा है, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर सा दे दिया तुमने यार, पढ़ के अभी भी नहीं गया। अच्छा पढ़ लिया था आपने इतनी देर, ठीक है करो। ट्वेल्व एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज जो है, अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो वो कहाँ आएगा, नीचे गिरेगा, जबकि फोर्स मुझे कहाँ चाहिए, ऊपर। तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जैसे सपोज आपके पास, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप करते हैं, ये दो प्लेट्स हैं और ये चार्ज है क्यू, और वो कह रहा है कि इसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज है। क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन याद है, 12 इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होगा और कौन सा नेचर का होगा, नेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये स्टेप क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो 12 एक्सेस का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बनेगा। और इसका वेट क्या है, नीचे। आप बस मुझे ये बताओ कि प्लेट्स के ऊपर क्या चार्ज रखूं, नीचे की प्लेट पे क्या चार्ज रखूं कि इसके ऊपर फोर्स कहां लगे, ऊपर। तो ऊपर कब लगेगी, जब नीचे की प्लेट क्या होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये प्लेट क्या होगी, तो मेरे असाइनमेंट में उल्टा हो गया, मैंने ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, आप प्लीज उल्टा कर लेना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, आप सही है एकदम। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, नीचे है, और नेगेटिव चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, रूल बताया था ना उसके ऑपोजिट। क्लियर है यहां तक? तो अब इसमें ऑयल ड्रॉप है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेशनरी है, अंडर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, डेंसिटी की बने, रेडियस निकाल लो, करेक्शन आपने कर ली। इसमें सबको पता है, अगर डायग्राम ना भी पता हो तो आपको ये तो पता ही है कि मिलिकर ने क्या किया था, वेट को किसके इक्वल किया था, क्यूई। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तब भी कोई बात नहीं, एम जी इक्वल टू एफ, क्यूई तो कर ही दोगे, न्यूमेरिकल गलत तो नहीं होता कम से कम, ठीक। तो एम क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी की बने। चार्ज क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 12 ई, तो आपको चार्ज पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको डेंसिटी पता है, आपको जी पता है, सॉल्व करके आर कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, 1/3 की फॉर्म में छोड़ देना, कोई बात नहीं। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या एग्जैक्टली? ऑनलाइन में लोगों क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, दो क्वेश्चन ना फोर्स के पेंडिंग थे मेरे सब्जेक्टिव शीट टू के, जो सब्जेक्टिव शीट टू थी ना आपको मैंने दी थी ये थी, जो एक क्वेश्चन तो लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम वाला किया था हमने, ये वाला सब्जेक्टिव शीट टू, ये भी कर लिया था लास्ट टाइम, ये भी बताया था शेयरिंग, यहां से करना है, ये करना है। एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, फोर माइक्रो कूलम आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर 4 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा जा रहा है, कहां, 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, और ऐसा करते जा रहे हैं टिल इंफिनिटी, इतने चार्जेस प्लेस कर रहे हैं। ओरिजिन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम आपको निकालना है, ओरिजिन पे जो 1 कूलम है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी, ये बताओ, फोर्स, ये ई का क्वेश्चन नहीं, एफ का क्वेश्चन है, कौन लगाएगा फोर्स, 4 माइक्रो कूलम 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल, नेट फोर्स किस पे निकलेगी,
इस पे, सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, इस पे, तो सारे वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। नेट फोर्स क्या होगी, इन सबको क्या कर देंगे, एड आंसर। तो पहले इसकी फोर्स निकालें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10 की पावर -6 × 1/1 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट की फोर्स निकालें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10 की पावर -6 / 2 का स्क्वायर, ऐसी नेक्स्ट 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर टिल इनफिनिटी। क्लियर है यहां तक? कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10 की पावर -6, तो क्या बचा, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर टिल इनफिनिटी। ये भी क्लियर है? अब जो तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको तो आ गया समझ आगे क्या करना है। जो मेडिकल के हैं वो ये समझ लें कि आज के बाद जैसे ये टर्म, इस टाइप की टर्म्स आती हैं टिल इंफिनिटी, जिसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से करें, फोर्थ को उससे पहली वाली से करें, रेशियो बराबर आ रही है 1:4, 1:4, 1:4 और 1:4। और अगर ऐसा हो तो ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसी टर्म अगर इंफिनिटी तक चलती जाए तो उसका फॉर्मूला नोट करें मेडिकल वाले, सम ऑफ इंफिनिट इनफाइनाइट टर्म्स होता है ऐसे केस में a/(1 - r), वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, पहली टर्म सीक्वेंस में क्या है, वन, और r इज रेशियो, कॉमन रेशियो, हर दो टर्म को डिवाइड करके रेशियो क्या आ रही है, 1:4। तो अब इस केस में a कितना है यहां पर, 1, पहली टर्म इज 1, r कितना है यहां पर, 1/4 आंसर। बाकी तो कोई करना ही नहीं इसमें कुछ भी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, और स्पेशली मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है, नॉन मेडिकल को तो दिक्कत है ही नहीं, जीपीएम करते ही उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्लियर है यहां तक? कितने मेडिकल के, ठीक है, समझ में आ रहा है? जीपी रिजल्ट नोट करना है आपने, इसमें मेडिकल वालों को कभी कभी यूज होता है, पर ऐसा नहीं कि होता नहीं, नीट में हो सकता है, ठीक। तो ये सीखना पड़ेगा। किसमें, कंपटीशन में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, ये शीट एनसीईआरटी की है ही नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कॉम्बो रेशियो कैसे निकाला, क्या किया थोड़ा बोलो सर, उस वाले क्वेश्चन में आपने कॉम्बो रेशियो फोर कैसे निकाला, फोर्थ, ये रहा, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। तो मैंने कॉमन निकाल लिया ना इसमें सारा, ये स्टेप समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये निकाल के ये बच गया, ये जीपी बन गई, ये ए बन गया, और आर 1/4 है आंसर। सॉल्व कर लो इसे, ठीक है ना? सर आर कैसे निकाल सकते हैं, आर, अच्छा, आर निकालने के लिए किन्हीं भी दो टर्म्स को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो 1:4, चलो इसको इससे डिवाइड करो 1:4, ओके। ठीक, एक क्वेश्चन है, वो कह रहे टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स स्प्रिंग के कॉर्नर पे लगा दिए क्यू एंड क्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100, और ये अनस्ट्रेच लेंथ है, स्प्रिंग अभी एक्सपैंड नहीं हुआ, इसकी नेचुरल लेंथ एल कितनी है, 1 है। आपने छोड़ दिया, क्यू एंड क्यू ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, रिपेल करके ये कॉर्नर पे आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, और स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया कितना, बाय एक्स। तो स्प्रिंग की नई लेंथ कितनी हो गई, 1 + x। क्लियर है? तो अगर इस मास की बात करते हो या इस पॉइंट की बात करते हो, इस चार्ज की बात करते हो, तो इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, और स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हुई, kx। सेम डायग्राम, इस चार्ज की भी सेम स्टोरी, इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, रिस्टोरिंग फोर्स kx। आप कोई भी एक चार्ज ले लो, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में एफ मस्ट बी इक्वल टू kx। रुक गया ना, ओके, और आपको यह बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें। तो जब ये रुक गया इक्विलिब्रियम में, तो ये जो फोर्स है, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन टू क्यू अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, kx। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x, आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, अब सॉल्व करना मुश्किल है, क्वाड्रेटिक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे। उसने एक लाइन दी, एज्यूमिंग दैट एक्सटेंशन इज स्मॉल, एक्सटेंशन क्या होती है, एक्स, एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ, यानी कि एक्स छोटा है एज कंपेयर टू एल, तो एक्स छोटा है एज कंपेयर टू एल। तो अब सोचो, आपको पता लग गया होगा कि एल 1 है,
एक्स छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली कैन बी, यहां पे याना करना सिर्फ यहीं पर डिनोमिनेटर में जब वन प्लस समथिंग तो वन बड़ा है एक्स छोटा है निगलेक्टेड, तो यहां से आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बच जाएगा इज इक्वल टू के एक्स, एक्स निकाल लेना सारी वैल्यूज गिवन है, वो इसीलिए उसने गिवन दी हुई है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है? ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले रिलैक्स हो जाएं, मेडिकल वाले सिर्फ यहां तक देखेंगे दो स्टेप, फिर नॉन मेडिकल वाले आराम से देखें बैठ के, मेडिकल भी नहीं आएगा बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है, दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं हैविंग चार्ज बड़ा क्यू, बड़ा क्यू बड़ा क्यू, डी डिस्टेंस अपार्ट, डी डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड बी चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पे छोटा क्यू कहां रखूं, यानी कि मुझे क्या निकालना है एक्स, कहां रखूंगा मतलब क्या निकालना है एक्स निकालना है, ताकि ये चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करे मैक्सिमम। चलो यार मैक्सिमम फोर्स तो बाद की बात है, आप बस ये बताओ कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम तो बाद में निकाल लेंगे। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कितनी फोर्स लग रही है, ऐसा क्वेश्चन तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया, फोर्स में कई क्वेश्चन किए कि ये छोटा क्यू ये बड़ा क्यू ये बड़ा क्यू, सबको पता है कि ये कैपिटल क्यू इस क्यू को क्या करेगा रिपेल, ये कैपिटल क्यू भी इस क्यू को क्या करेगा रिपेल, ये एंगल थीटा 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 कॉरस्पॉन्डिंग थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, सही है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इस f के दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे f cos थीटा f sin थीटा, इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स f cos थीटा f sin थीटा, ये आपस में क्या हो गया, तो नेट फोर्स कितनी आ गई 2f sin थीटा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब तो कई बार कर लिए ऐसे क्वेश्चन हमने, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा f की वैल्यू बता दो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू छोटा क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, और ये कैसे आया, ये एक्स है ये डी बाई टू है, तो पाइथागोरस से डिस्टेंस आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू छोटा क्यू बाय इसका स्क्वायर, ये रहा। एंड साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, एक्स अपॉन दिस डिस्टेंस, ये पुट कर दिया, ठीक है, तो फोर्स पुट कर दी, साइन थीटा भी पुट कर दिया, यहां तक कोई डाउट, पीछे क्लियर है यशिका? डाउट है सारा? ये दो चार्ज का डिस्टेंस अपने आधा लिया है, ये डी बाई टू है ना, क्योंकि अपने को एक्स पता है डी बाई टू, तो ये साइड चाहिए तो आधा चाहिए होगा ना, इसलिए ठीक है यहाँ तक। तो फोर्स तक तो सब क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेडिकल वाला यहीं तक सफिशियंट है बस, ठीक है डन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको फोर्स नहीं निकालनी, आपको तो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, और मैंने कई लोगों ने वीडियो में से मांगा था मैक्सिमम मिनिमा का, मैंने दिया भी था सुन लेना, तो मैक्सिमम मिनिमा का रूल आ गया, हमने किया था, अब जो लोग सुन के आए हैं उनको और आइडिया होगा कि कैसे करना है। तो मैथ्स के लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है इतनी, कैलकुलस आने वाले आपके मैथ्स में प्लस टू में खूब जबरदस्त तरीके से, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा बहुत डिटेल में मैथ्स के टीचर करवाएंगे, तो ये स्टेप आपको अपने आप समझ में आएंगे कैसे करने हैं। मेडिकल में आएगा नहीं तो उनको वैसे टेंशन नहीं, नॉन मेडिकल को वैसे टेंशन नहीं, मैं तो खाम खाई करके दिखा रहा हूँ कि चलो जी ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप कैलकुलस सीख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता होगी क्या करना है। तो मतलब इसमें फिजिक्स वालों को कोई रोल है नहीं, तो फिर भी क्योंकि आपको एक्स निकालना है और फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमा का रूल क्या कहता है, जिसको मैक्सिमम करना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, क्या निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने फोर्स की वैल्यू लिखी और इसे क्या कर दिया डिफरेंशिएट, इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट 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 सब जीरो से कैंसिल, तो आपके पास ये दो टर्म बच गई बस, क्लियर है यहां तक, सब कांस्टेंट टूट जाएंगे जीरो से, दो टर्म की डिफरेंशिएशन रह गई, ये टर्म को मानो यू, इस टर्म को मानो वी, याद है वी बाई यू, यू बाई वी का फॉर्मूला, तो वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, U into differentiation of V, ये step भी clear है,
ठीक है, फिर ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हो बड़ा सा, इसको लिखने की जरूरत क्या है, ये भी जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसल, ये भी गया, तो क्या बचा, ये टर्म एज इट इज, dx बाय dx क्या होता है 1, x एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन पावर क्या है 3/2, एक n माइनस 1 इसकी पावर 3/2 - 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे करते हैं ना कैलकुलस में, याद है डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का स्टेप है, जिसको नहीं आती कोई टेंशन है, नॉन मेडिकल वाला मैथ्स के टीचर सिखा देंगे। जिसको जल्दी सीखनी है मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको लॉगिन आईडी दे दूंगा प्लस वन का, आप वहां से दो लेक्चर सुन लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये स्टेप क्लियर है, और लास्ट स्टेप है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। ओपन कर दें इसे, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2x, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी, कैंसिल करने पे ये टर्म आएगी, और फाइनली ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म करेंगे तो 3/2 - ½ करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, मतलब सिंप्लीफाई करके आपके पास x कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इसलिए करवाया क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव बुक करेंगे, चाहे एसएल भी करें चाहे ऑब्जेक्टिव बुक भी करें, ये क्वेश्चन से आपका सामना होना ही है। तो आप ये ना कहें सर देखो मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है और हमने तो की नहीं मैक्सिमम फोर्स, आप मुझसे कम से कम ये नहीं कहेंगे की नहीं हमने की है। ठीक, तो एटलीस्ट आपको आइडिया है कि उस क्वेश्चन को कैसे आपने हैंडल करना है। और बुक्स के अंदर जिन्होंने बुक्स ट्राई करनी शुरू कर दी, फोर्स का पहला चैप्टर इतना अजीबोगरीब तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आपने अगर पढ़नी स्टार्ट कर दी होंगी, बड़े लंबे लंबे तरीके लगाता है वो वेक्टर सॉल्व करने के, बंदे को लगता है कि यार शायद मेरे को ना फोर्स आती नहीं होगी। आप प्लीज बिल्कुल उसका मेथड ना देखें, आप अपनी ही कैलकुलेशन करें, क्योंकि उसको पूरे को समझाना बड़ा मुश्किल है वेक्टर सम को, तो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशंस बुक्स में गिवन है, तो आपको समझ में आते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हमने कर ही लिए हैं। तो आप प्लीज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही रखें और मेथड पे फोकस करें। ठीक है यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है, फोर्स के दो तीन न्यूमेरिकल और पेंडिंग भी है वैसे मेरे, ऐसे ही दो दो करके निकाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे क्योंकि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट चार्ज पे कर रहे हैं, अभी भी हमने कोई बॉडीज को ओपन नहीं किया। असली इलेक्ट्रोस्टैट्स सी चैप्टर सी स्टार्ट है, जब आपको आपका कोई लेना देना ही नहीं होगा प्लस वन से, कोई लेना देना नहीं, कोई वेक्टर नहीं आएगा, कुछ इंटीग्रेशन नहीं आनी, कुछ नहीं आना, बिल्कुल नया लेक्चर और पूरा टोटल 1.5 घंटा नया का नया ही लेक्चर, कोई पीछे से लेना देना ही नहीं है उसका। तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा, फील होगा, अभी पूरी तरह फील नहीं आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का कि प्लस टू स्टार्ट हो गई है, तो अभी फिर थोड़ी सी स्टार्ट होगी और फिर स्पीड भी हमारी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। नए चैप्टर्स है ना, नया नया होता है, अभी तो वेक्टर के सिर पे वो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो कर देते हैं, फिर आप क्या करोगे, फिर तो मेरे को सारा करके दिखाना पड़ेगा, देखो ये ऐसे हो गया ना, अभी ऐसे हो गया, तो फिर थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा स्पीड में। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन कैसे हैं यार, आज तो आपको ऑफलाइन आना चाहिए था टेस्ट के लिए, मुझे व्हाट्सएप करो प्लीज, मैं ये बंद कर रहा हूँ लेक्चर अभी।